नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज वीडियो के माध्यम से हम सोमवती अमावस्या के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो वर्ष भर में 12 अमावस्या पड़ती हैं और प्रत्येक महीने की अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जब यही अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और सोमवार के दिन पड़ने से अमावस्या का जो महत्व है वो बहुत अधिक खास हो जाता है। और इस दिन अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो इस दिन अगर कोई पूजा पाठ, कोई दान, स्नान इत्यादि जो किया जाता है वो आम समय की अपेक्षा इस दिन करने से करीब 1000 गुना अधिक फलदायी होती। सोमवती अमावस्या अपने आप में एक विशेष महत्व लेकर के रखती है। कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस दिन करके और व्यक्ति उन समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकता है। कैसे इसका लाभ लिया जाए, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक सुने। कैसे इसका लाभ लिया जाए और इस दिन क्या करने से क्या लाभ होता है, उसकी विधि क्या है। मित्रों, सोमवती अमावस्या जिस तरह से अमावस्या पितरों की तिथि है, उसी तरह से सोमवती अमावस्या देवताओं और पितरों की दोनों की तिथि। अगर सोमवार को पड़ जाए तो ये भगवान शिव के लिए भी बहुत खास है, भगवान विष्णु के लिए भी बहुत खास है, और तिथि अमावस्या है तो पितरों के लिए तो है ही। इस दिन अगर व्रत करके पूजन किया जाए और पीपल वृक्ष का विधि विधान से अगर पूजन किया जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। एक तो इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से पितरों की तृप्ति होती है और साथ में जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो बाधा समाप्त हो जाती है और उसे अच्छा सुयोग्य वर मिलता है। कैसे इस दिन पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में दूध मिश्रित जल और उसमें गुड़ या चीनी मिला करके पीपल के वृक्ष को स्नान करावे। इसके बाद में चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, मिष्ठान आदि से उसकी पूजा करें, और पूजा करने के बाद में विष्णु भगवान का नाम स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करते हुए कच्चा सूत लपेट करके 108 परिक्रमा करें। इस तरह करने से अगर विवाह में किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो वो भी उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और साथ में पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करें और इसके बाद पितरों के निमित्त, पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भी प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से व्यक्ति के दोनों महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। और सोमवती अमावस्या वैसे तो अखंड सौभाग्य का, इसका जो व्रत है, इसका जो पूजन है वो अखंड सौभाग्य का दाता है, इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ में इसके अलावा पितृदोष और अगर विवाह में बाधाएं हैं तो वो भी समाप्त होती हैं। इस बार ये सोमवती अमावस्या मार्गशीर अमावस्या 14 दिसंबर को पड़ रही है और वर्ष भर में ये 2 या 3 बार ही आती है, तो इस अवसर का लाभ ज़रूर लें। और अगर किसी को इस तरह की परेशानी है तो इस दिन पीपल के वृक्ष की इस प्रकार से पूजा करें, श्रृंगार की वस्तु भी चढ़ाए
और प्रार्थना करें अपने उत्तम वर प्राप्ति के लिए और पितरों की शांति के लिए। इस प्रकार करके व्यक्ति, और अगर कोई जानकारी है तो आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और उसके बारे में और विस्तृत परामर्श भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।